गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज यार फिर से यार अपने साथ अपनी पल्सर N150। और यार आप लोगों के ना यार काफ़ी टाइम से यार कमेंट्स आ रहे थे कि भाई यार इसका ना थोड़ा सस्पेंशन यार एडजस्टमेंट कराओ, थोड़ा हाइट थोड़ी यार इसकी थोड़ी ऊपर करो। तो वो भाई आज अपन कराने वाले हैं। और एक चीज़ यार मैं आप लोगों को और बता दूँ यार, जब यार आप लोगों ने सारे कमेंट्स किए तभी यार ये वो सारी चीज़ें यार मैंने नोटिस की, उससे पहले यार मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया था। तो क्या है ना, अगर भाई आप इसे पल्सर N150 को अगर पिलियन के साथ में, अगर हैवी पिलियन के साथ में अगर आप इसे राइड करते हो ना, तो भाई नीचे ये फंसती भी है। और कुछ मेरे भाई लोगों के यार कमेंट्स भी आए थे कि भाई अगर इसे मतलब हैवी पिलियन हो या ट्रिपल राइडिंग कर रहे हो, बहुत कम लोग यार वैसे करते हैं, बट अगर दो पीपल अगर हैवी है ना तो भाई ये थोड़ी नीचे से यार ये फंस जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, बट इसमें जो भाई इसका स्टैंड है ना, मेन स्टैंड अभी जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये यार कहीं ना कहीं फंस जाता है। और बाकी इसकी सीट हाइट कम होने की वजह से ना ये भी यार आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इससे भी यार थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी यार चलेंगे अपन, थोड़ा इसका भाई सीट हाइट थोड़ी एडजस्ट करा दें, थोड़ी यार ज़्यादा कराने वाले हैं, क्योंकि जैसे यार मैंने आप लोगों को बताया पिलियन के साथ में ना बिल्कुल यार ये दब जाती है। अगर अभी और कोई यार साथ में होता तो आप लोगों को मैं ठीक तरह से दिखाता, बट चलो अभी यार आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, क्योंकि यार अभी कुछ टाइम से यार तबीयत ख़राब चल रही थी और बाकी यार होली की वजह से भी यार वीडियोज़ अपने नहीं आ पाए। तो चलो देखते हैं भाई इसका थोड़ा सा सीट हाइट यार थोड़ी इंक्रीज़ कराते हैं, देखते हैं उसके बाद में कुछ टाइम बाद में यार मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर इसका किस तरह से रिस्पांस रहने वाला है। बाकी अभी फ़िलहाल ये सीट एडजस्टमेंट करा दें, और अभी और सीट एडजस्टमेंट इसकी कराने के बाद में किस तरह का रिस्पांस है वो भी यार मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। बट चलो फिलहाल अभी यार यहाँ से निकलते हैं। सो अभी यार आ चुके हैं यार अपनी बाइक पर, और अभी थोड़ा चलते हैं। और इसके बाद में यार आप लोगों को ना इसकी यार मतलब क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई यार इसका थोड़ा ब्रेकिंग टेस्ट वीडियो लेकर के आओ, किस तरह का भाई इसका ब्रेकिंग है, तो वो भी यार आप लोगों को वीडियो जल्दी मिलने वाली है। और अभी यार आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो मिलने वाली है जैसा यार मैंने आप लोगों को बताया। बट अभी यार इसका थोड़ा सा देखते हैं भाई, इसका क्या है ना सस्पेंशन जो है ना कुछ यार रेयर वाला कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से यार थोड़ी सी थोड़ा बहुत यार होता है। बट अगर भाई यहाँ पर इस तरह के हाईवेज पर करो तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कितनी भी आप हाईपर राइड कर लो कुछ भी कर लो, बट क्या ना थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप रोड पे अगर आप थोड़ा करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। और इस बाइक को और मैं आप लोगों को बता दूँ ना, इससे आप बिल्कुल भी ऑफ रोड नहीं कर सकते। लाइक दैट कि भाई कमेंट्स था मेरे पास यार, भाई यार इससे थोड़ा ऑफ रोड करो, मतलब ऑफ रोड नहीं करो, थोड़ा लॉन्ग राइड करो, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाओ, तो यार ये बाइक उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के ना ही भाई सस्पेंशन है, ना ही भाई इसकी टायर ग्रिप है। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूँ, इसके फ्रंट वाली ब्रेकिंग भी भाई सेम उसी तरह की नहीं है जिस तरह के भाई एक ABS के साथ में भाई आप लोगों को ब्रेकिंग देखने के लिए मिलती है। ब्रेकिंग ठीक है बट यार उस तरह की नहीं है जिस तरह से ABS होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई अपनी इस पल्सर के अंदर। फिलहाल आज इसकी भाई अपन थोड़ी सी सीट हाइट एडजस्ट कराते हैं और देखते हैं यार उसमें कितना टाइम लगता है, एक बार ना यार अदरवाइज़ इसकी एक की आती है तो उससे आप ईज़िली घर पर भी कर सकते हो। तो अभी तो यार अपने पास वो है नहीं, तो इसी वजह से यार शॉप पर चलना पड़ेगा, वहाँ पर ही चल करके यार कराते हैं। और ये क्या ना हर जगह यार होती भी नहीं है सीट हाइट एडजस्ट। सो एक चीज़ क्या है ना भाई, एक क्वेश्चन सो रहा था यार अपने पास कि भाई यार इसमें GTT है या फिर नहीं अपनी पल्सर N150 के अंदर, तो भाई वो फीचर यार आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाता है। बट आप लोग यार बोल रहे थे कि यार पूरा एक वीडियो दो, तो वीडियो का यार मैं देखूंगा, बट फिलहाल अभी मैं यार आप लोगों को बता देता हूँ इसमें यार आप लोगों को GTT फीचर देखने के लिए मिल जाता है अपनी पल्सर N150 के अंदर। और पूरा डिटेल में अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यार बताना। और ब्रेकिंग टेस्ट का मैं आप लोगों को ज़रूर यार वीडियो देने वाला हूँ, क्योंकि यार वो यार कुछ ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर हम भाई कोई भी बाइक यार अगर हम परचेज करना चाहते हो तो सबसे मेरे भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकिंग यार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो चलो बट फिलहाल तो अभी यार जो काम कराने के लिए आए हैं वो कराते हैं। सो चलो यार आ गए भाई, इधर ही है सारी मार्केट, और यहाँ के अलावा आई डोंट थिंक कि कहीं होता होगा भाई मुरादाबाद में। सो चलो अभी आगे देखते हैं। आधी मार्केट खुली हुई है और आधी बंद है। सस्पेंशन कहाँ लटके हुए हैं भाई, वही करते हैं जिनके पास में सस्पेंशन होते हैं लटके हुए, इधर ही लगा सस्पेंशन कराना है इसका थोड़ा टाइट। पूछे यहाँ लटके हुए तो यहीं पर ये थोड़ी सी हाइट यार अभी कराते हैं यार ऊपर, और आप लोगों को पता भी चल जाएगा भाई ज़्यादा कुछ यार आई थिंक यार इसमें होना नहीं चाहिए। इसका सोकर उठवाना है मुझे थोड़ा, हाँ ये वाला भाई रेयर वाला अभी देखो, ये थोड़ी सी साइज सीट हाइट यार कितनी तो कम है यार इसकी, मतलब पूरी यहाँ का इतना, और ये बाकी तो लगने से रह जाती है यार झटकों में। चलो ज़्यादा मुलायम ना लग रहा है, बहुत मुलायम है ये,
लग रही है ना तुम्हारा, ये कभी कभी लगता है, ये तेज तेज उसको हो गया लगता है तेज पे ना, अगर स्लो पे ही है ना, अगर झटका है ना तो उसमें पड़ जाता है, जैसे दो भारी लोग भी है ना बैठे हुए तो आवाज़ आ जाती है इसमें से, वैसे तो पता भी चल रहा होगा दबा के कितना मुलायम है ये, है ना है भैया, खोल खुलेगा ये पूरा। अच्छा वैसे कीसे नहीं होगा ये भी है। अच्छा तो थोड़ा बहुत अगर हो जाए तो देख लो, तो फिर ये कैसे होगा फिर ये। अच्छा तो पूरी खुलना पड़ेगा वो अंदर से, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कितने का, 600 रुपये का। अच्छा तो ये यार ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ से तो पूरा फ्री है यार, दिखाऊँ अभी यार, फिर यहाँ से तो यार जितना होना चाहिए था पूरा यार ये बता रहे हैं जगह यहाँ से ख़त्म है, बाकी 600 रुपये का ये बता रहे हैं पूरी, मतलब बाइक खुलेगी पूरा ये खुलेगा और उसके बाद में इसकी सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, तो चलो अभी देखें, वरना पहले एक बार आगे पहुँचता हूँ अगर कहीं होता है तो, वरना यहीं पर कराना होगा। चलो यार यहाँ तो 600 बता रहे हैं, अभी मैंने पूछा ना हर जगह पूछना पड़ता है, यहाँ और पूछो। अरे भैया सोकर उठवाना है यार मुझे इसके पीछे वाला, है साइड ज़्यादा ना होगी इसकी, बेकार हो जाएगा। अच्छा अब ये कह रहे हैं बेकार हो जाएगा यार, भाई क्या नाटक है यार, कोई कह रहा है पूरा खुलेगा और इसके जितनी भाई इसके अंदर गैप होता है मतलब ये पूरा है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता यार इसमें कुछ भी, वरना दवाई या तो इसमें 160 वाला लगेगा, वरना ये पूरा खोल करके लगाना पड़ेगा, तो एक बार यार घर जा करके पूछूंगा और उसके बाद में देखता हूँ भाई इसमें क्या कराना है क्या नहीं कराना, क्योंकि यार ऐसे यार ठीक भी नहीं रहता, एक बार मैं कंपनी वालों से भी पूछूंगा, मैकेनिक से उनसे थोड़ा सा। सो भी यार मैंने यार पूरी मतलब इसमें मार्केट में यार मैंने पूछ लिया हर जगह, और सस्पेंशन के लिए यार यही कह रहे हैं मतलब मैंने यहाँ भी पूछा, सो ये मतलब जितना यार टाइट होना चाहिए ना, जितनी मतलब सीट हाइट इससे ज़्यादा हो सकती है उतना यार ये भाई टाइट है यार, ये बिल्कुल इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बाकी पीछे यार उन्होंने बताया कि मतलब इसे पूरा खोल करके फिर उसके बाद में यार इसे ठीक करना पड़ेगा, तो उससे यार कुछ लोग यार मैंने दूसरी जगह पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई यार ये सारी चीज़ें मत कराओ, इससे क्या ना थोड़ी यार इसका सस्पेंशन पूरी तरह से यार ख़राब हो जाएगा, अगर देखेंगे भाई तो फिर यार मैं नहीं कराने वाला, अगर 160 का आता तो वो इसमें मैं भी देख सकते हैं आने वाला, बाकी यार इसमें नहीं होने वाली, पल्सर N150 में यार आप लोग बोल रहे थे यार एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, बिल्कुल यार फुल जितना टाइट होता ना उतना टाइट है, तो इसमें यार अपन नहीं कराने वाले, तो उससे भाई पूरा पूरी तरह से यार ख़राब हो जाती है, तो एक सस्पेंशन यार मेन चीज़ है यार इसमें, तो इसी वजह से यार मैं यार बोल भी रहा था कि एक दो जगह यार मैं पहले पूछ लूँगा और उसके बाद में देखते हैं, तो भाई यार जो फाइनल रिजल्ट यार इसका निकला भाई इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, फुल्ली एडजस्ट होकर के आता है यार ये, तो प्रॉब्लम तो है भाई इसमें, अगर आप ट्रिपल राइड करते हो या फिर पिलियन के साथ में, अगर थोड़ा हैवी पिलियन के साथ में राइड करते हो तो, अभी खुद तो गिरता भाई मुझे भी गिरा था, बट चलो देखते हैं भाई बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोग बताना। सो चलो भाई फिलहाल यार अभी निकलते हैं यार घर के लिए, मिलते हैं यार आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।